जय श्री राम। तो दोस्तों, आज कुछ बड़ी फिल्म या फिर साउथ या बॉलीवुड, इस फिल्म पे हम रिएक्शन नहीं देने वाले हैं। आज जस्ट एक नॉर्मल कास्टिंग वाली फिल्म है, लेकिन जो कहते हैं ना, अगर फिल्म में दम हो तो फिल्म सुपर डुपर हिट हो सकती है। तो ऐसा ही कुछ आज हमको ट्रेलर देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए मिल रहा है, अभी तक हमने देखा नहीं है। क्या नाम है फिल्म का? एस्केप लाइफ, जो कि कोई सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं होगी, लेकिन ये रिलीज कहाँ होगी? डिज्नी हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी। और नया टैलेंट है और तारीफ भी सुनने को मिल रही है, तो शायद ट्रेलर अच्छा होगा। चलिए हमारे साथ देखिए और हमारे रिएक्शन भी देखिए। आर यू रेडी? यस। ओके गाइस, वेलकम टू एस्केप लाइफ। टुडे एनीवन विद अ फोन कैन बिकम अ स्टार। एस्केप लाइफ सिर्फ एक ऐप नहीं है, हम हर इंडियन को मौका देते हैं अपना टैलेंट दिखाने का, अपने डल और बोरिंग जिंदगियों से एस्केप करने का। सो वेलकम टू द स्ट्रीम मशीन। मेरे दोस्तों, जैसे स्पाइडर दीवार पर चिपकता है ना, वैसे ही आमचा तुम लोग के दिल पे चिपकेगा। Number fucking one on the app. I want to be a fucking superstar, man. I'm not a better girl. I'm not a big girl. Hi, friends. I'm dance run. बनारस की लड़कों की चॉइस हम खूब जानते हैं। मटर हो या मेहरार हो, गदराई हुई चाहिए। आप पहली बार में हर लड़के से ऐसी बातें करती है क्या? वेलकम टू फेटिश गर्ल्स स्कूल। Hello, boys. Today, we will give our users the biggest opportunity India has ever witnessed. Jo contest sabse zyada diamonds hasil karega will win 3 crore rupees. Ek chance. And ya pagri wale one room kitchen se na direct bank house. 3 crore jeet sakti. Fans hai mere. Mujhe haarne nahi denge. ये टैलेंट साइट है, पॉन साइट नहीं है। अबे तो तेरी क्यों चल रही है? अरे मल्लू एन मगा तान कर्नाटक है, तो कर्नाटक का मैं। वी आर इन द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड बिजनेस कम्स बिफोर एंटरटेनमेंट। मेरी वजह से एस्केप खोलते हैं लोग। देख तू असली कंपटीशन पैसे के लिए कर रहे हैं सब। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई टू एम अ पार्ट ऑफ दिस। दिस इज गोना बी द डार्केस्ट नाइट ऑफ एस्केप प्लान। द गेम बिगिंस। हॉटस्टार स्पेशल्स प्रेजेंट्स एस्केप लाइव 20 मई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। शानदार, पहली बार कुछ यूनिक देखने के लिए मिला है। सबसे उनकी राय लेते हैं कि उनको ट्रेलर में क्या अच्छा लगा और किस टाइप का ट्रेलर लगा, तो आप बताइए। ये कुछ हटकर है, यूनिक है, आपके बार देखने में मजा आने वाला है, तो आप ये देखेंगे? देखेंगे पक्का। पर ये 18 प्लस के लिए है, तो ये नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। आप बताइए आपको क्या अच्छा लगा और यूनिक लगा इसमें। मतलब ऐसा है, जो आजकल टिकटॉकर्स है उनके, मेरे हिसाब से कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन। टिकटॉकर्स नहीं है, आप रील्स बनाने वाले हैं। टिकटॉकर्स गया जो रील्स बनाते हैं, जो बेकार शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। शॉर्ट प्लेटफॉर्म बेकार नहीं होता, हर कोई किसी के अंदर टैलेंट भी होता है, हर कोई आपकी तरह मुजरा नहीं करता। सॉरी गाइस, सच्चाई निकल गई। तो आप बताइए क्या बताने वाले थे। शॉर्ट प्लेटफॉर्म है, उस पर आधारित ये फिल्म होने वाली है, और जो लोग क्रिंज कंटेंट बनाते हैं उनको थोड़ा नेगेटिव में दिखाया जाएगा, बैन किया गया है। मतलब हाँ, काफी अच्छा दिखाया गया है। आप बताइए देवांश जी, आपका ये मतलब है? इस टाइप में है कि आजकल जो प्लेटफॉर्म होते हैं सोशल मीडिया के, इन पे रील्स शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, तो इनको ऐसा लालच दे दिया जाता है कि इसके लिए क्राइम तक कर लेते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ हद तक भी करने, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये दिखाया है कि ये पैसों के लालच में कुछ भी कर रहे हैं, जो गलत है। नाइस। गिरीश जी आपका क्या कहना है? जो ये कह रहे हैं वही बात,
ये इसी इसी पर आधारित है लगभग मेरे हिसाब से। हाँ। मतलब ये शुरू में एंटरटेनमेंट टाइप फिल्म है लेकिन लास्ट में जाते जाते ये थ्रिलर या क्राइम फिल्म बन जाती है। हो सकता है कि वो क्राइम करने लग जाए, एक दूसरे को मारने लग जाए। किसके लिए? 3 करोड़ रुपए लिए। और सबसे अच्छी एक्टिंग इसके अंदर आपको किसकी लग रही है? लेकिन पैसों का लालच के कारण आदमी एक दूसरे को मार देता है, वो भी इस फिल्म में। मतलब मैसेज टाइप फिल्म है और नाइस फिल्म है, तो ये जरूर देखिएगा। कब रिलीज होने वाली है? 20 ऑफ मई। और कहाँ पे रिलीज होने वाली है? तो गाइस याद रखिएगा, हॉटस्टार वालों की तरफ से स्पेशल से ये बनाया गया है, तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया रिएक्शन लेके, तब तक के लिए जय श्री राम।